खबर मथुरा से। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा मणिपुर में हो रही सांप्रदायिक हिंसा एवं महिलाओं के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार के सार्वजनिक प्रदर्शन जैसी अमानवीय घटना एवं मानसिकता के खिलाफ हाथों में केंद्र व मणिपुर सरकार विरोधी स्लोगन लिखी टीका लेकर व काली पट्टी बांधकर गोवर्धन चौराहा मथुरा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह द्वारा मणिपुर हिंसा एवं महिलाओं को निर्वस्त्र कर अपमानित करने की घटनाओं पर चुप्पी एवं ठोस कदम न उठाए जाने और इंटरनेट सेवा बंद कर देश की अन्य भाग से मणिपुर का संबंध समाप्त करने पर आक्रोश व्यक्त कर निंदा की और गगनभेदी नारे लगाकर इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन में रमेश सैनी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग मथुरा, ने भाजपा की सांप्रदायिक नीतियां बनाकर बहुमत का दुरुपयोग कर देश के आदिवासियों, अल्पसंख्यक, कमजोर हों के अधिकारों का अधिकरण कर देश लूट कर जलाने का काम कर रही है। जब पूरे संसार में मणिपुर की चर्चा हो रही है, तब मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री देश की बात नहीं कर रहे। उन्हें सत्ता प्यारी है, चाहे कितनी भी जाने जाएं, किसी का भी अपमान हो, बस धन्ना सेठों का हित सुरक्षित रहे। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष लोकेश कुमार राही ने मणिपुर में संविधान का उल्लंघन कर दोनों पक्षों को बिना विश्वास में लिए मणिपुर को केंद्र व राज्य सरकार ने आग के हवाले कर महिलाओं को जबरन निर्वस्त कर अपमानित करने की घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। साथ ही कहा कि इस घटनाओं को अंजाम देने वाले वही लोग हैं जो नारी को देवी बताकर पूजने की बात करते हैं। देश पूछ रहा है कि मोदी जी तो मौन है, मणिपुर को जलाने वाले सांप्रदायिक लोग कौन हैं? मणिपुर की घटना लोकतंत्र, तीनों स्तंभ, पत्रकारिता, विधायिका, कार्यपालिका की असफलता है। मणिपुर में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची। राष्ट्रपति से मांग की केंद्र व राज्य सरकार को तत्काल बरखास्त किया जाए। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
है, दो मिलिट्री में सिपाही है और एक सैनिक है और एक महिला उसकी बीवी है जो सूबेदार था, जिससे कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, जिससे कारगिल में पाकिस्तान को हराया था और इसने डांट कट्टे कर दिए थे लोगों ने, लंका की लड़ाई जीत करके आया, बांग्लादेश की शांति में गया और उसकी मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।